खबर है भागलपुर से, जहां बूढ़ानाथ मंदिर परिसर हॉल में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के द्वारा जनसंख्या असंतुलन को लेकर एक आम सभा का आयोजन किया गया। इसका विधिवत उद्घाटन जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी, राष्ट्रीय संयोजक ममता सहगल, संगठन मंत्री संजय सिन्हा सहित समाज सेवी व संरक्षक विजय कुमार यादव के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। देखिए इस विषय पर सह समाज सेवी विजय कुमार यादव का क्या कहना था। भारत में जो जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, इस पर नियंत्रण के लिए जो है एक जनसंख्या फाउंडेशन कानून बनना चाहिए भारत में। और जिस तरह आबादी जो है दिनों प्रतिदिन दोगुना तिगुना चौगुना लगातार ये बढ़ रही है, इस पर रोक लगना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यदि जनसंख्या बढ़ जाती है वाला समय में हम लोगों के लिए बहुत मतलब दिक्कत की सामना करना पड़ेगा। इसके जनसंख्या फाउंडेशन कानून बनना बहुत ज़रूरी है। आज भागलपुर में ये सभा है जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर। आप दो दिन पूर्व भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व में नंबर एक बन गया है। किस मामले में? आबादी के मामले में। और ये जो आठ आठ दस दस बच्चे, बारह बारह बच्चे पैदा करके देश के संसाधनों पर, देश के लोकतंत्र पर कब्जा करने की नीयत से जो कुछ भी हो रहा है, वो आप करें या मैं, जो भी, मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं, इसके लिए देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बने और वह जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठकर सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो। इस जो उस कानून को ना माने, यानी कानून बनने के बाद एक वर्ष के बाद जो अधिक संतानोत्पत्ति करें उनकी सभी सरकारी सुविधाएं समाप्त हो, सरकारी सब्सिडी समाप्त हो और साथ साथ उनको मताधिकार से वंचित किया जाए। और फिर भी अगर ना माने तो उठा के दंपत्ति की कंपलसरी फोर्सफुल नसबंदी और उठाकर जेल में बंद कर दिया जाए। ये भारत है, धर्मशाला नहीं। आप यहाँ अधिक बच्चे उत्पन्न करके देश के लोकतंत्र को कब्जाने के प्रयास कोई ना करे। धन्यवाद। अनिल है, अनिल चौधरी, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन जो संगठन है, मैं इसका एक कार्यकर्ता हूँ। दायित्व के नाते लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व दिया है।